भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के क्लेम सेटलमेंट रेशो में कमी आई है। ये 2019-20 में 96.6% रहा, जो 2018-19 में 97.7% था। इस मामले में मैक्स लाइफ 99.2% के रेशो के साथ टॉप पर रही है। कुल 24 कंपनियों में से इस साल LIC 17वें नंबर पर रही है। खास बात ये है कि प्राइवेट बीमा कंपनियों का सेटलमेंट रेशो इस दौरान 96.7% से बढ़कर 97.18% हो गया है। दोस्तों, क्या होता है क्लेम सेटलमेंट रेशो, क्यों है ये इम्पोर्टेंट, और जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की सोच रहे हो तो आपको क्लेम सेटलमेंट रेशो का क्यों ध्यान रखना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्लेम सेटलमेंट रेशियो में कौन सी कंपनीज रही टॉप 10 में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है क्लेम सेटलमेंट रेशो। दोस्तों, क्लेम सेटलमेंट रेशो से पता चलता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में हर 100 क्लेम्स में से कितने क्लेम्स का पेमेंट बीमा कंपनी ने किया है। ये रेशो जितना ज़्यादा होता है क्लेम्स के सेटलमेंट में बीमा कंपनी का प्रदर्शन उतना ही अच्छा माना जाता है। बीमा कंपनी कई वजह से दावा खारिज कर सकती है, ये बीमा कंपनी के टर्म्स और कंडीशंस के बेसिस पर होता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का कैलकुलेशन किए गए टोटल क्लेम में से सेटल किए गए टोटल क्लेम से डिवाइड देकर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास 1000 डेथ क्लेम आए और उनमें से 924 क्लेम का सेटलमेंट कंपनी ने कर दिया, तो उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 92.40% और क्लेम रिजेक्शन रेट 7.60% होगा। दोस्तों, क्लेम सेटलमेंट रेशो को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला आता है नंबर ऑफ क्लेम्स के अकॉर्डिंग और दूसरा आता है बेनिफिट अमाउंट के हिसाब से, यानी कि क्लेम किए गए अमाउंट के अनुसार। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बीमा कंपनी के पास 100 क्लेम आए, 90 क्लेम 5 लाख रुपए के थे और बचे हुए 10 क्लेम 50 लाख रुपए के थे। अब मान लीजिए जीवन बीमा कंपनी ने 5 लाख के सारे क्लेम का पेमेंट कर दिया, लेकिन 50 लाख के 10 क्लेम में से सिर्फ 5 लाख क्लेम का ही पेमेंट किया। तो अब अगर हम नंबर ऑफ पॉलिसीज के हिसाब से देखें तो बीमा कंपनी ने 100 में से 95 क्लेम का पेमेंट कर दिया, तो इस हिसाब से क्लेम सेटलमेंट रेशियो हुआ 95%। वहीं अगर हम क्लेम अमाउंट के अनुसार बीमा कंपनी ने जो पेमेंट किया वो किया, उनके पास जो क्लेम आया था वो आया था 9.5 करोड़ रुपये का, 90 × 5 लाख और 10 × 50 लाख, तो टोटल जो क्लेम था वो 9.5 करोड़ का था। लेकिन बीमा कंपनी ने 90 × 5 और 5 × 50 यानी कि कुल 7 करोड़ का ही पेमेंट किया। तो अब अगर हम क्लेम अमाउंट के हिसाब से देखें तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो हुआ 73.6%, जो कितना कम हुआ 95% ये कंपैरिजन में। अब दोस्तों, IRDA की रिपोर्ट में ये दोनों ही नंबर होते हैं, तो आप किस नंबर पर ज़्यादा ध्यान देंगे? अगर आप एक नई जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो क्या आप दूसरे नंबर को अवॉइड कर देंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आप चाहेंगे कि ये दोनों नंबर ही अच्छे हों और आपको उसी कंपनी की पॉलिसी खरीदनी चाहिए जिसके दोनों ही क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छे हों। दोस्तों, निजी कंपनियों में क्लेम सेटलमेंट के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन मैक्स लाइफ का रहा है। उसका टोटल क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.2% रहा। इसके बाद HDFC लाइफ और टाटा AIA का रहा है। इन दोनों कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% से ज़्यादा रहा। क्लेम सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से कुल 24 बीमा कंपनियों में LIC 17th नंबर पर रहा। आइए सबसे पहले जानते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्लेम्स के नंबर के हिसाब से। दोस्तों, इसमें जो टॉप किया वो मैक्स लाइफ ने किया। इनके पास टोटल क्लेम आए थे 15,463 रुपये के, जिनमें से 15,342 क्लेम इन्होंने पास कर दिए। 99.22% इनका सेटलमेंट रेशो रहा। 120 क्लेम इन्होंने रिपुडिएट किए और 0.78% उसका रेशो रहा। दूसरे नंबर पर है HDFC। इनके पास क्लेम आए थे 12,626,
12,509 क्लेम इन्होंने पास किए, 99.07% का इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो रहा, 54 क्लेम इन्होंने रिपीडिएट किए और 0.43% उसका रेशो रहा। टाटा एआई तीसरे नंबर पर आता है, 2,982 क्लेम टोटल इनके पास आए थे, 2,954 क्लेम इन्होंने सेटल किए, 99.06% का इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो रहा है, 28 क्लेम्स इन्होंने रिपुडिएट किए हैं और 0.94% उसका रेशो रहा है। प्री अमेरिका लाइफ के 569 क्लेम्स इनके पास आए, 560 इन्होंने पे किए, 98.42 का इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो रहा, 7 क्लेम इन्होंने रिपुडिएट किए और 1.23% उसका रेशो रहा। एक्साइड लाइफ के पास टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स आए 3,468, 3,404 क्लेम इन्होंने सेटल किए, 98.15% का इनका रेशो रहा, 26 क्लेम इन्होंने रिपुडिएट किए और 0.75% उसका रेशो रहा। कैनरा, एचएसबीसी, ओबीसी के पास जो क्लेम आए वो 1,276 आए, 1,252 क्लेम इन्होंने सेटल किए, 98.12% का उसका रेशो रहा, 22 क्लेम्स इनके रिपुडिएट हुए और 1.72% उसका रेशो रहा। रिलायंस निपो की बात करें तो 8,017 क्लेम इनके पास आए, 7,866 क्लेम इन्होंने पास किए, सेटल किए, 98.12% का इनका रेशो रहा, 149 क्लेम्स जो हैं वो इनके रिपुडिएट हुए और 1.86% का इनका रेशो रहा। बजाज एलियांस की बात करें तो 12,127 इनके पास टोटल क्लेम आए, 11,887 क्लेम्स जो हैं वो इन्होंने पे किए, 98.01% का इनका रेशो रहा है, 237 क्लेम्स इन्होंने रिपुडिएट किए और 1.95% इनका रेशो रहा। एगोन की बात करें तो 351 टोटल क्लेम्स इनके पास आए, 344 क्लेम्स इन्होंने सेटल किए, 98.01% इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो रहा, 7 क्लेम्स इन्होंने रिपुडिएट किए और 1.99% का रेशो रहा। ICICI प्रूडेंशियल की बात करें तो 11,460 क्लेम्स इनके पास टोटल आए, 11,212 क्लेम्स इन्होंने सेटल किए, 97.84% का इनका सेटलमेंट रेशो रहा, 153 क्लेम्स जो हैं वो इनके रिपुडिएट हुए और 1.13% का रेशो रहा। LIC की अगर हम बात करें तो LIC के पास 7,58,916 नंबर ऑफ क्लेम्स आए, 7,33,809 क्लेम इन्होंने सेटल किए, 96.69% इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो रहा, 6,124 क्लेम्स जो इन्होंने रिपुडिएट किए और 0.81% उसका रेशो रहा। ये हमने क्लेम सेटलमेंट रेशो बात की नंबर ऑफ पॉलिसीज के हिसाब से। आइए अब बात करते हैं बेनिफिट अमाउंट के हिसाब से। तो इसमें हम मैक्स लाइफ की अगर बात करें तो इनके पास 595.43 करोड़ का क्लेम आया, 562.54 करोड़ का क्लेम इन्होंने सेटल किया, 94.48% का इनका जो क्लेम रेशो रहा वो रहा, 32.88 क्लेम करोड़ का इन्होंने क्लेम रिपुडिएट किया और 5.52% उसका रेशो रहा। HDFC की अगर हम बात करें तो 702.45 करोड़ का इनके पास क्लेम आया, 650 करोड़ का इन्होंने क्लेम सेटल किया, 92.58% का इनका रेशो रहा और 25 करोड़ का इन्होंने क्लेम रिपुडिएट किया और 3.63% इनका जो है वो रेशो रहा। टाटा AI की बात करें तो 231.96 करोड़ का इनके पास क्लेम आया, 222.47 करोड़ का इन्होंने क्लेम जो है वो सेटल किया, 95.91% का इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशो रहा, 9.49 करोड़ का इन्होंने रिपुडिएट किया और 4.09 इनका उसका रेशो रहा। प्री अमेरिका लाइफ की बात करें तो 23.43 करोड़ का इनके पास क्लेम टोटल आया, 22.44 करोड़ का इन्होंने जो है वो सेटल किया, 95.78% इनका रेशो रहा, 0.77 करोड़ का इन्होंने रिपुडिएट किया और 3.28% इनका उसका रेशो रहा। एक्साइड लाइफ की अगर हम बात करें तो 101.16 करोड़ का इनके पास जो टोटल क्लेम है वो आया, 88.95 करोड़ का इन्होंने क्लेम सेटल किया, 87.94% इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो रहा जो बहुत कम है, 3.16 करोड़ का इन्होंने रिपुडिएट किया और 3.12% इनका रेशो रहा। कैनरा, HSBC, OBC की बात करें तो 115.27 करोड़ का इनके पास टोटल क्लेम आया, 106.53 करोड़ का इनके पास इन्होंने जो है सेटल किया, 92.42% इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है वो रहा, 3.71 करोड़ का इन्होंने रिपुडिएट किया और 3.21% इनका परसेंटेज रहा।
रिलायंस निपो की अगर बात करें तो 167.03 करोड़ का इनके पास टोटल क्लेम आया, 157.03 करोड़ का इन्होंने क्लेम सेटल किया, 94.01% इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो रहा, 9.43 करोड़ का इन्होंने क्लेम रिपुडिएट किया और 5.64% इनका रेशो रहा। बजाज एलियांस की अगर हम बात करें तो 332.15 करोड़ का इनके पास टोटल क्लेम आया, 310.71 करोड़ का इन्होंने सेटल किया, 93.55% इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो रहा और 20.78 करोड़ का इन्होंने रिपुडिएट किया और 6.26% इनकी परसेंटेज रही। एगोन की बात करें तो 69 करोड़ का इनके पास टोटल क्लेम आया, 64.60 करोड़ का इन्होंने सेटल किया, 93.63% इनका परसेंटेज क्लेम सेटलमेंट रेशो रहा, 4.40 का इन्होंने रिपुडिएट किया और 6.37% उसका परसेंटेज रहा। ICICI प्रूडेंशियल की बात करें तो 1117 करोड़ का इनके पास क्लेम आया, 1023.64 करोड़ का इन्होंने सेटल किया, 91.64% इनका परसेंटेज रहा, 49.49 करोड़ का इन्होंने रिपुडिएट किया और 4.43% इनका उसका जो है वो परसेंटेज रहा। LIC की अगर हम बात करें तो 13694.34 करोड़ का इनके पास क्लेम आया, 12797.85 करोड़ का इन्होंने क्लेम सेटल किया, 93.45% इनकी परसेंटेज रही और 205 करोड़ का इन्होंने रिपुडिएट किया और 1.50 उसकी परसेंटेज रही। ये हमने बात की बेनिफिट अमाउंट के हिसाब से, तो जो मैक्स लाइफ पहले 99% ले रहा था नंबर ऑफ पॉलिसीज के हिसाब से, उसका बेनिफिट अमाउंट के हिसाब से 94.48% ही रह गया। आइए अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं नंबर ऑफ पॉलिसीज के हिसाब से क्लेम सेटलमेंट रेशो और बेनिफिट अमाउंट के हिसाब से क्लेम सेटलमेंट रेशो में कितना फर्क है। तो अगर हम मैक्स लाइफ की बात करें तो 99.22% उनका जो है वो नंबर ऑफ पॉलिसीज के हिसाब से है क्लेम सेटलमेंट रेशो, वहीं हम अगर बेनिफिट अमाउंट की बात करें तो ये रेशो घटकर 94.48% ही रह जाता है। HDFC की बात करें तो 99.07% है इनका पॉलिसीज के हिसाब से और बेनिफिट अमाउंट की बात करें तो ये घटकर 92.58% ही रह जाता है। टाटा AIA की बात करें तो 99.06% नंबर ऑफ पॉलिसीज के हिसाब से है, बेनिफिट अमाउंट की बात करें तो 95.91% इनका बेनिफिट अमाउंट के हिसाब से बैठता है। प्री अमेरिका लाइफ की बात करें तो 98.42% नंबर ऑफ पॉलिसीज के हिसाब से और 95.78% बेनिफिट अमाउंट के हिसाब से। एक्साइड की लाइफ की बात करें तो 98.15 इनका जहां नंबर ऑफ पॉलिसीज के हिसाब से था, वहां बेनिफिट अमाउंट पे तो इनका सिर्फ 87.94% ही रह जाता है। कैनरा HSBC OBC की बात करें तो 98.12% इनका नंबर ऑफ पॉलिसीज के हिसाब से और 92.42% इनका बेनिफिट अमाउंट के हिसाब से। रिलायंस निपो की बात करें तो 98.12% इनका नंबर ऑफ पॉलिसीज के हिसाब से और अगर हम बेनिफिट अमाउंट की बात करें तो 94.01% इनका बेनिफिट अमाउंट के हिसाब से। बजाज एलियांस की बात करें तो 98.01% नंबर ऑफ पॉलिसीज के हिसाब से, 93.55% बेनिफिट अमाउंट के हिसाब से। एगोन की बात करें तो 98.01% इनका नंबर ऑफ पॉलिसीज के हिसाब से, 93.63% इनका बेनिफिट अमाउंट के हिसाब से। ICICI प्रूडेंशियल की बात करें तो 97.84% इनका नंबर ऑफ पॉलिसीज के हिसाब से और बेनिफिट अमाउंट के हिसाब से 91.64%। LIC की अगर हम बात करें तो 96.69% इनका नंबर ऑफ पॉलिसीज के हिसाब से और बेनिफिट अमाउंट की बात करें तो 93.45% इनका बेनिफिट अमाउंट के हिसाब से। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि जब हम नंबर ऑफ पॉलिसीज की बात करते हैं तो इन कंपनीज का जो क्लेम सेटलमेंट रेशो होता है वो 98 से 100 के बीच में जाता है, यानी 95 अबव 100, और वहीं जब हम बेनिफिट अमाउंट की बात करते हैं तो वो 90 से 95% के बीच में वैरी करता है। तो इतना डिफरेंस इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो का नंबर ऑफ पॉलिसीज और बेनिफिट अमाउंट के हिसाब से आ जाता है। दोस्तों जब भी आप अपनी कोई इंश्योरेंस बाय करने जाएं तो आपको ऐसी ही इंश्योरेंस कंपनी चुननी चाहिए जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशो सबसे अच्छा हो। क्लेम सेटलमेंट रेशो की अच्छे से जांच करें। IRDA हर साल क्लेम सेटलमेंट रेशो डाटा जारी करता है ताकि आप सही इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट कर सकें। हमेशा 90% से ज़्यादा रेशो वाली बीमा कंपनी को ही सिलेक्ट करें। क्लेम सेटलमेंट का सही पता लगाने के लिए 3 से 5 साल का क्लेम सेटलमेंट रेशो आपको देख लेना चाहिए। एक इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशो से उस कंपनी की अपने इंश्योरेंस का क्लेम को मैनेज करने की कार्यकुशलता और कैपेबिलिटी का पता चलता है। क्लेम सेटलमेंट रेशो इसीलिए इतना मायने रखता है क्योंकि इससे एक इंश्योरेंस कंपनी की ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वसनीयता और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पता चलता है। पॉलिसी खरीदते समय
क्लेम सेटलमेंट रेशो के अलावा इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस क्वालिटी पर भी विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्लेम करते समय इंश्योर्ड व्यक्ति लाभार्थी की मदद करने के लिए मौजूद नहीं होता, इसीलिए उस समय इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस क्वालिटी बहुत मायने रखती है। आप अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से भी अपनी इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस क्वालिटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक पॉलिसी को सेलेक्ट करते टाइम प्रीमियम, इंश्योरेंस अमाउंट, एड ऑन बेनिफिट्स, कस्टमर सर्विस और कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड पर भी ध्यान देना जरूरी है। ध्यान रखिए कि इन सभी बातों के कंपैरिजन करने से आपको समझदारी के साथ फैसला लेने में आसानी होगी और आप अपने लिए एक सही और बहुत ही बेनिफिशियल पॉलिसी चुन पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने लिए सही पॉलिसी का और सही इंश्योरेंस कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।